देखिए हम पढ़ने वाले हैं नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। तो नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन क्या होता है? तो पार्टीशन हम पहले बता चुके हैं कि पार्टीशन क्या होता है। जैसे कि ए बी कोई एक इंटरवल है, ए बी कोई एक इंटरवल है, तो इसको हम जैसे कि पी से डिनोशन करते थे पार्टीशन, तो सच दैट इस तरह से होता था कि इसमें कुछ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे, तो सच दैट इस तरह से। देखिए पी इक्वल टू क्या होता था, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू हमारा रहता था ए, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, एंड देन एक्स वन, फिर एक्स टू, इसी तरह कंटिन्यू होके एक्स एन, जो कि हमारा बी होता था, ठीक। एक्स एन जो होता था वो हमारा बी होता था, तो ये हमारा हो जाता था पार्टीशन। और ये जो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था इस तरीके से, क्या कि एक्स नॉट सबसे छोटा, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू, इसी तरह ये हमारा एक्स एन तक जाता था, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। और यही एलिमेंट को हम बोलते हैं पार्टीशनिंग पॉइंट बोलते थे, ठीक है। तो पार्टीशन समझ में आया ये था, ठीक है। हम इसको प्रॉपर डिफिनेशन लिखा चुके हैं, तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज पार्टीशन, तो आप देखिए कि एक्चुअली में है क्या प्रॉपर डिफिनेशन उसका। समझने के लिए तो ये है प्रॉपर डिफिनेशन, आप क्या लिखेंगे तो वो आप जाके देख सकते हैं उसका फर्स्ट वीडियो, ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन, इसका नॉर्म्स मींस क्या होगा कि नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सब इंटरवल्स क्या है। सब इंटरवल्स क्या है, ठीक। तो सब इंटरवल्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स वन है, तो यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स वन जो होता है वो हमारा सब इंटरवल हो जाएगा। फिर देखिए दो एलिमेंट लेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक्स वन और एक्स टू जो हो जाएगा वो हमारा सब इंटरवल होगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स टू एक्स थ्री जो होगा वो हमारा सब इंटरवल, इसी तरह ये हमारा कंटिन्यू होगा, तो ये हमारा सब इंटरवल्स हो गया, ठीक। और फिर क्या कि लेंथ अगर निकालना है तो लेंथ हम सब इंटरवल्स का कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक्स वन में माइनस करेंगे एक्स नॉट, तो ये हमारा लेंथ निकलेगा, इसको डिनोशन करेंगे डेल वन से। फिर इसका लेंथ निकालना चाहें तो क्या होगा, ये डेल टू से डिनोशन करेंगे और एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, तो ये हमारा लेंथ निकल गया। अब निकालना है नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन। नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन मीन्स क्या होता है कि सबसे हाईएस्ट लेंथ मीन्स सबसे बड़ा जो लेंथ होगा हमारा, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ जो होगा, जैसे डेल वन डेल टू निकालेंगे बहुत सारे लेंथ निकलेंगे, सारे सब इंटरवल्स का लेंथ निकलेंगे यहाँ पे, तो लेंथ जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वही हमारा नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन होगा, ठीक। तो देखिए नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन को समझने के लिए सबसे पहले पार्टीशन समझना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सब इंटरवल, सब इंटरवल्स के बाद लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ निकालने में लेंथ निकाल के देखेंगे, फिर देखेंगे क्या कि सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है, तो सबसे बड़ा लेंथ जो होगा वही हमारा नॉर्म्स होगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रॉपर डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट पी बी अ पार्टीशन, सबसे पहले पी बी अ पार्टीशन है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ द क्लोज एंड बाउंडेड, क्लोज एंड बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं दिख रहा, ओके, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल जो कि हमारा रहेगा ए बी, ठीक। पी बी ए पार्टीशन है, ओके। एंड देन फिर क्या कि ऑफ द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, ठीक है, सच दैट, इस तरह से, सच दैट, किस तरह से, देखिए पी हम डिनोशन कर देते हैं पार्टीशन से, जो कि हम यहाँ लिखे हुए लेट पी बी द पार्टीशन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा एक्स नॉट, जो कि हम ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स वन, फिर यहाँ पे एक्स टू, इसी तरह कंटिन्यू कहाँ तक, एक्स हम क्या करेंगे कि आर माइनस वन एक ले लेते हैं और एक्स आर भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक। और ये एक्स एन इक्वल टू ये हमारा बी हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा पार्टीशन, ठीक है। देन लेट फिर क्या करेंगे, देखिए एक्स नॉट और एक्स वन ये हमारा सब इंटरवल्स होता है, तो एक्स नॉट एक्स वन, फिर यहाँ पे एक्स वन एक्स टू, ठीक, एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, ये कंटिन्यू कहाँ तक, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर तक ले लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा एक्स एन माइनस वन और एक्स एन तक, ठीक। ये हमारा क्या हो गया कि सब इंटरवल्स हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सब इंटरवल्स ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन पी, ठीक
ठीक है, तो इसका ही हमारा सब इंटरवल्स हो गया है, पार्टीशन पी का सब इंटरवल्स हो गया ये, ठीक है। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले कि हमारा पार्टीशन हो गया, ये हमारा सब इंटरवल्स होगा, फेस का हम लेंथ निकालेंगे, तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द गिवन इंटरवल्स, ठीक, ये वाला जो इंटरवल्स हमारा है, इंटरवल्स आर डिफाइंड, सॉरी डिफाइन नहीं, डिनोटेड, जैसे कि हम डिनोट करते हैं ना डेल वन डेल टू डेल थ्री से, डिनोटेड एंड डिफाइन, क्योंकि डिनोट करेंगे फिर डिफाइन करेंगे, जैसे डेल वन पहले लिखेंगे फिर उसके बाद दिखाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। डिफाइन एस किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर डेल वन फर्स्ट के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट होगा, तो हमारा फर्स्ट लेंथ निकलेगा। फिर क्या होगा कि डेल टू निकालेंगे, डेल टू तो यहाँ पे होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर डेल थ्री निकालेंगे तो डेल थ्री एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ठीक। फिर ये हमारा कंटिन्यू होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, डेल आर, हम इसे डिनोशन कर देते हैं डेल आर, जो कि होगा एक्स आर माइनस वन, ठीक। फिर ये कंटिन्यू होगा कहाँ तक जाएगा, डेल एन तक लिख सकते हैं, डेल एन जो कि होगा एक्स एन माइनस वन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक जो पार्टीशन होता है तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि एक्स नॉट सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे होगा। तो कोई चीज़ का अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो बड़ा में छोटा माइनस करेंगे ना, तो वही होता है बड़ा में हम छोटा माइनस करें, जैसे कि ये हमारा बड़ा हो गया एक्स आर, एक्स आर माइनस वन उससे छोटा है, तो देखिए यहाँ पे बड़ा में छोटा माइनस कर रहे हैं तभी जाके हमारा लेंथ निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह हो गया कि एक्स वन बड़ा है एक्स नॉट छोटा है, तो एक्स वन में एक्स नॉट माइनस कर रहे हैं तभी जाके हमारा लेंथ निकल रहा है, ठीक। तो लेंथ हमारा ऐसे निकलता है, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, तो लिखेंगे क्या कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ, तो थोड़ा इरेज करते हैं, द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ द, ये जो हमारा सारा लेंथ निकला है उसमें से ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ किसमें, डेल वन डेल टू से लेके डेल आर से लेके डेल एन में, ठीक है, सारे में, तो उसमें से जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वही हमारा हो जाएगा नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन। तो फिर लिखेंगे इज डिफाइन Define as the norms of the partition. Norms of the partition P, ठीक है, and it is denoted by, इसको भी denotion किया जाता है, किस तरीके से denotion किया जाता है वो देखिए, and हम पहचानेंगे कैसे कि norms of the partition ये हमारा, and it is डिनोटेड बाय, देखिए डिनोशन जो होता है वो नॉर्म्स का ऐसे डिनोशन होता है, आपको पता है नॉर्म्स का डिनोशन ऐसे होता है, ठीक। तो नॉर्म्स किसका निकाल रहे हैं, ये पार्टीशन का नॉर्म्स निकाल रहे हैं ना, तो पी पार्टीशन को पी से डिनोशन किए थे, तो पी का ये देखिए नॉर्म्स के अंदर ही हमारा पी रहेगा, तो ये हमारा डिनोशन होता है एक, ठीक है। और एक डिनोशन क्या होता है, म्यू और पी होता है, तो ये हमारा होता है सेकेंड डिनोशन, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक रहेगा तो समझ जाइए कि नॉर्म शब्द ये हमारा पार्टीशन है, ठीक, डिनोशन से समझना है। तो ये हो गया हमारा नॉर्म शब्द पार्टीशन, ठीक है।